शांति। आज 31 अगस्त 2023 प्यारे बाप दादा के साकार ईश्वरीय मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बाबा ने ड्रामा का पाठ पक्का कराते हुए कहा कि ड्रामा के हर सीन को साक्षी होकर देखना है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। फिर ऊंची अवस्था बनाने के लिए पुरुषार्थ बताया कि माया के सब तूफानों को डोंट केयर करना है। कोई भी माया के तूफान आए, हलचल आए, उसमें डरना, रोना व घबराना नहीं है। माया के तूफानों को डोंट केयर करो, लेकिन शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसे डोंट केयर नहीं करना है, क्योंकि श्रीमत से ही अंगत समान अचल अडोल एक रस अवस्था बनेगी। और बाबा कहे दिल ही दिल में बाबा से बातें करनी है। बाबा, ओ मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपको हमने पहचान लिया। आप कितने मीठे हो, कितने प्यारे हो। बाबा, आप आए हो हमें स्वर्ग की राजाई देने के लिए, तो हम इस कब्रिस्तान कलयुग को क्यों याद करेंगे। मीठे बाबा, हम एक आपको ही याद करेंगे। फिर पढ़ाई और धारणाओं पर विशेष अटेंशन दिलाते हुए कहा कि बच्चों को मुरली अच्छी तरह 5-6 बार पढ़ना व सुनना चाहिए, तभी बुद्धि में बैठेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। फिर कहा जब भी फुर्सत मिलती है कछुए मिसल अपने सर्व काम काज कर्म इंद्रियों को समेट कर याद में बैठ जाओ। जब चाहो कर्म में आओ, जब चाहो शांत होकर बैठ जाओ। और उसके लिए बाबा ने समय बताया, अमृत वेले का समय सबसे अच्छा है, जिसका असर सारे दिन में रहेगा। फिर कहा कि बच्चों को यह भी समझाया जाता है कि खिलाने वाला जो परमात्मा शिव बाबा है उनको खिलाकर ही भोजन करना है। जिनके यज्ञ से खाते हैं उनको पहले भोग जरूर लगाना है। फिर कहा कि गायन है, देवताएं ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं, क्योंकि तुम बच्चे ब्रह्मा भोजन खाकर ब्राह्मण से देवता बनते हो। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति साक्षी तथा हर्षित रखने के लिए स्मृति में रहे कि हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। आज मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक पुरुषार्थ द्वारा अपनी अवस्था जमा सकते हो। उत्तर में बाबा ने कहा, माया के तूफानों को डोंट केयर करो, और बाप जो श्रीमत देते हैं उसे कभी भी डोंट केयर ना करो। इससे तुम्हारी अवस्था अचल अडोल हो जाएंगी, स्थिति सदा साक्षी और हर्षित रहेंगी। तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए जो कभी भी रोना ना आए। अम्मा मरे, बीबी मरे, तो भी हलवा खाना है। अर्थात ऐसी परिस्थितियों में भी स्थिति अचल अडोल रहे, कोई भी प्रकार का दुख व रंज ना हो। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, बुद्धि में पूरी एम ऑब्जेक्ट रख, नष्टो मुहा बनना है। इस कब्रिस्तान को भूल बाप को याद करना है। रूहानी जिस्मानी सेवा करनी है। दूसरा, खिलाने वाले शिव बाबा को खिलाकर फिर खाना है। अमृत वेले का समय अच्छा है, इसलिए उस समय उठकर बाप को याद करना है। मुरली 5-6 बार सुननी व पढ़नी जरूर है। आज बाबा ने वरदान दिया, अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अलौकिक स्वरूप की स्मृति द्वारा अलौकिक कर्म करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। स्पष्टीकरण है, ब्राह्मण जीवन अर्थात अलौकिक हीरे तुल्य अमूल्य जीवन, इस अलौकिक जीवन की स्मृति से व अलौकिक स्वरूप में स्थित रहने से साधारण चलन साधारण कर्म नहीं हो सकता। जो भी कर्म करेंगे वह अलौकिक ही होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। स्मृति में रहे एक बाप दूसरा ना कोई, तो बाप की स्मृति सदा समर्थ बना देगी, इसलिए हर कर्म भी अलौकिक श्रेष्ठ होगा। बाबा ने सदा समर्थ शक्तिशाली आत्मा बनने की विधि बताई कि सदा यह स्मृति बने रहे कि मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। अभी हमारा हीरे तुल्य जीवन बन रहा है, तो जैसी स्मृति होगी वैसी स्थिति बन जाएगी। और सदा यह याद रहे
कि एक बाप दूसरा ना कोई, तो स्थिति और कर्म सहज ही श्रेष्ठ और शक्तिशाली बन जाएंगे, अलौकिकता का अनुभव होगा। आज का स्लोगन है, स्वउन्नति का यथार्थ चश्मा पहन लो तो सबकी विशेषताएं ही दिखाई देंगी, क्योंकि जैसा चश्मा होता है कलर भी वैसा ही दिखाई देता है। इसलिए बाबा कहते हैं, सभी आत्माओं को देखने का दृष्टिकोण अगर बदल जाएगा तो सब में विशेषताएं ही दिखाई देंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।